Hello everyone, myself Hemant Kichad. I am your science teacher. Today we will discuss our class at remaining chapter microorganism friends and foe. और मैंने अब बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी हैं एंड फो भी. फ्रेंड्स होता है दोस्त एंड फो होता है दुश्मन. तो हमारे अच्छे भी हैं और शत्रु भी हैं और हमारे लिए अच्छे भी हैं. तो हमने जो लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के मेकिंग ऑफ कार्ड जो हमारे इम्पोर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसके बारे में पढ़ा था, जिससे अपने फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, जिस पर से मेकिंग ऑफ कार्ड के बारे में हमने देखा था, फर्मेंटेशन के बारे में देखा था, मेडिकल यूज़ एंड वैक्सीन के बारे में हमने, ये भी हमारे क्या है फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था. अब इसी कड़ी में हम देखो आगे पढ़ते हैं इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. फिर देखो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन एंड प्लांट एनिमल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पैथोजेंस की तरह काम करते हैं. डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स में जैसे हम बात करते हैं, जैसे एनोफिलीज मॉस्किटो होता है जिससे मलेरिया होता है, एडिस एजिप्टाई होता है जिसकी वजह से डेंगू होता है. और इनको कंट्रोल के बारे में, अगर हम आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे तब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. फिर देखो डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स में एंड प्लांट्स में, इन सभी में होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं. तो किस प्रकार से करते हैं, हम देखो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम एक एक्सपेरिमेंट में दो डस्टबिन लेते हैं. एक डस्टबिन के अंदर हम मिट्टी और हमारा जो घर का बचा हुआ कचरा है, जिस प्रकार से फ्रूट्स पील्स हैं, पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, हम उसके अंदर डाल देते हैं. फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके हम उसको छोड़ देते हैं. और एक पोर्ट हम दूसरा लेते हैं जिसके ऊपर लिखते हैं हम बी. उस बी पोर्ट के अंदर हम जैसे पॉलीथीन है, वेस्ट बॉटल्स हैं, मिट्टी पानी, हम उस प्रकार से हमने उसके अंदर रख करके छोड़ दिया. फिर हम देखो थोड़े दिनों बाद में देखते हैं, जैसे फ्रूट्स पील्स थे, पेड़ पौधे पत्तियाँ थी, वो ईजिली डिकम्पोज हो गई ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और जो सेकेंड पोर्ट हमने लिया था जिसके अंदर हमने वाटर बॉल्स एंड प्लास्टिक बैग्स हमने उसके अंदर रखे थे, वो डिकम्पोज नहीं हुई, क्योंकि जो पहला जो हमने लिया था उसके अंदर क्या होते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए, जो जीव होते हैं बैक्टीरिया उसके अंदर डेवलप हो गए, फंजाई उसके अंदर डेवलप हो गए. और उसने ने क्या किया, उन सभी को जो हमने चीज़ें डाली थी उसके अंदर उन सबको डिकम्पोज कर दिया. तब हम कह सकते हैं कि डिकम्पोज करने की वजह से जो इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं. तो हमने ये जाना कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे फ्रेंड्स भी हैं, वो हमारी मिट्टी सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं. फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन एंड प्लांट एनिमल्स, और सभी के लिए हार्मफुल भी हैं, जैसे प्लांट्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स के लिए भी होते हैं, ह्यूमन्स के लिए होते हैं. ठीक है, हम इनको अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं. फिर हम देखो साइंस क्लास एट के चैप्टर सेकेंड का पेज नंबर 24 की बात करते हैं. पेज नंबर 24 पर आते हैं. सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन के अंदर होने वाली कॉमन डिजीज के बारे में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ह्यूमन डिजीज है, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एंड प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. सबसे पहले है ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया. मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये एयर के द्वारा स्प्रेड आउट होता है. और देखो इसके अंदर क्या होगा, जिस भी आदमी के ये जो को ट्यूबरक्लोसिस है, मिलेसिस है, चिकन पॉक्स एंड पोलियो, इनको क्या होना चाहिए, इनको आइसोलेशन में रखना चाहिए और हमारे को उनसे दूरी बनाई हुई रखी हुई होनी चाहिए. फिर हम देखो मीजल्स है. मीजल्स किसके तरह, इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वायरस है. ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है. चिकन पॉक्स की बात करें, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस के द्वारा एंड एयर कंटेंट के द्वारा, और पोलियो वायरस के द्वारा और एयर वाटर, इसके क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हैं. फिर हम देखो दूसरी बात करें जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं. बैक्टीरिया में सबसे पहला था कोलेरा एंड दूसरा टाइफाइड. कोलेरा एंड टाइफाइड की बात करते हैं, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है. और दूसरे का जो टाइफाइड है इसका भी क्या है, वाटर है. उन देखो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड द गुड सैनिटरी हैबिटेट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड द बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन की जो प्रोसेस है वो हमारे को बॉइल्ड वाटर के, यानी कि एक बार जिस इंजेक्शन को काम मिले उसको वापस काम में नहीं लेना चाहिए. अगर उसको ऐसी कंडीशन बनती है उसको वापस काम में लेना है तो उसको क्या है, उसको बॉइल्ड वाटर से उसको साफ करना चाहिए. तो हमारे प्रश्न आज जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारे खुद को, हमारे स्वास्थ्य ध्यान खुद को ही रखना चाहिए. इस प्रकार से हम
बात करते हैं। फिर देखो हेपेटाइटिस ए, ये वायरस के द्वारा होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वाटर। तो ड्रिंकिंग बोल वाटर ड्रिंकिंग आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन से पहले या फिर जो पानी है उसको गर्म करके छान कर ही पीना चाहिए। फिर देखो बात आती है मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका मॉस्किटो, जिस मैंने आपको बताया था मलेरिया के बारे में। मलेरिया बारे में आपको मैंने बताया था कि ये एक एनोफिलीज मॉस्किटो द्वारा स्प्रेड आउट होता है। तो हम जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं स्प्रेड आउट होने के, तब हमारे को क्या करना चाहिए, वहाँ पर पानी ज़्यादा दिनों तक इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। ऐसा ही हमारा जो एडीज एजिप्टी जिसके डेंगू होता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखो प्लांट की डिजीज़ पढ़ते हैं कि डिजिंग कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स में, क्योंकि एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स में क्या है, देखो एनिमल्स में माउथ डिजीज़ होती हैं, उनके फुट डिजीज़ होती हैं, और जैसे एंथ्रेक्स होता है। और एंथ्रेक्स के बारे में देखो अच्छी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि रॉबर्ट जो कोच था डिस्कवर द बैक्टीरियम विच कोजेज एंथ्रेक्स डिजीज़, जिसकी वजह से एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है उसका जो बैक्टीरियम है वो किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच ने 1876 में किया था। अब देखो हम प्लांट की डिजीज़ को हम देखते हैं। प्लांट की डिजीज सबसे पहले है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के द्वारा होता है, मोडो ट्रांसमिशन इसका एयर होता है। रस्ट ऑफ व्हीट ये देखो फंगी के द्वारा होता है, मोडो ट्रांसमिशन एयर एंड सीड्स हैं। येलो वेंस मोजेक एंड जिसको भिंडी बोलते हैं, ये देखो वायरस के द्वारा होता है और इसका मोडो ट्रांसमिशन इंसेक्ट होता है। तो ये देखो कुछ हमने कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमंस, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा है। फिर इसको देखो कुछ क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 29 पर, जो आपको 29 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको क्वेश्चंस को आंसर की फॉर्म में मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर 9001453197 पर आप मेरे को भेजना है। थैंक यू।